press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi 7A का ये बॉक्स। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में कराने वाला हूं मैं इसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे इसकी पूरी फीचर्स एंड डिटेल के बारे में। वही दोस्तों बात करेंगे क्या ये Redmi 6A को रिप्लेस कर पाएगा, क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो Redmi 6A को पीछे कर दें, क्योंकि Redmi 6A एक ऐसा Redmi का मॉडल है जो कि भले ही एक 5-6 हज़ार तक की रेंज में आता हो लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सेल होता है, आज भी सेल होता है। यानी कि आपने देखा होगा कोई फ़ोन आता है उसकी लाइफ होती है 6 महीना, लेकिन अगर 6A या 7A जैसे कोई एक अंडर बजट फ़ोन आते हैं तो ये लगभग वो पूरे साल तक आराम से चलते हैं, आदमी उसे मांग के ख़रीदता है, यानी कि उनकी पहली पसंद होती है। क्योंकि हर आदमी नहीं खरीद सकता 15,000-20,000 का फ़ोन, उनके लिए ये फ़ोन ही बनाए गए हैं जिनके वो आसानी से एक्सेस कर सकें और जो है आसानी से व्हाट्सएप चला सकें, हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह भी हो जाती है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंडर बजट फ़ोन बनाया जाता है। तो ये फ़ोन मुझे मिला है DKG मोबाइल्स की तरफ से। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे सामने है Redmi 7A का ये बॉक्स। अगर बात करी जाए बॉक्स की तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में ये छोटा लग रहा है देखने में। वहीं पर यहाँ पर अगर बात करी जाए इसकी पैकिंग की तो हर बार जो है Redmi की पैकिंग आती थी ट्रेडिशनल पैकिंग रेड कलर में, उससे थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए ऊपर की तरफ आपको वेरिएंट डिटेल दे रखी है, यानी कि यहाँ पर आपको 2GB रैम और 32GB की रोम देखने को मिलेगी। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है आपके लिए। वहीं दोस्तों अगर बात इसके बैक की करी जाए तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी खुश करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो 6A की बैटरी आई थी वो आपकी थोड़ी सी कम थी, लेकिन यहाँ पर आपको सफिशियंट बैटरी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको 12MP का AI रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5.45 सेंटीमीटर के IPS LCD HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर गौर करिएगा, आपको फुल HD नहीं देखने को मिली है, यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले दे रखी है। वही दोस्तों आपको बेसिक सी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से ओपन करते हैं इस बॉक्स को, देखते हैं कि क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये रहा हमारा बॉक्स, कर दिया मैंने ओपन, बहुत ज़्यादा छोटा सा बॉक्स है, एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एक पतला सा सेक्शन दे रखा है, अगर बात करें इसे ओपन करके तो सबसे पहले तो आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी और साथ में रहती हैं कुछ यूज़र गाइड्स वगैरह। तो दोस्तों एक बार जल्दी से ओरली देख लेते हैं क्या क्या है, वारंटी इन्फॉर्मेशन की गाइड है, साथ ही यहाँ पर कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह हैं। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखा जाए अंदर तो आपको ये मिल जाता है आपका फ़ोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। पैकिंग भी थोड़ी सी अब की बार जो है जानदार कर रखी गई है, हालांकि यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा जो है वेटेड और खूबसूरत लग रहा है ये फ़ोन। तो दोस्तों फिलहाल इसको अभी साइड में रख लेते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर बॉक्स के अदर कंटेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है एक चार्जर देखने को मिल जाता है। तो बात करें अगर इसकी आउटपुट रेटिंग की दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहती है आउटपुट रेटिंग। तो यहाँ पर आपको 5V 1A की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। और दोस्तों एक बात जो गौर करने वाली और है कि ये आपका चार्जर तो एक हालांकि एक स्टैंडर्ड चार्जर है, लेकिन फिर भी अगर आप इससे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो ये 10W की चार्जिंग लेता है आपका मोबाइल फ़ोन। यानी कि आपको अगर किसी अदर चार्जर से इसे चार्ज करते हैं तो वहाँ की स्पीड और इसकी स्पीड में आपको डिफरेंस यकीनन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर मिल जाएगी आपकी वही microUSB केबल, जिसके लिए फिलहाल यही कह सकते हैं कि जो है Redmi की केबल आती थी ठीक उसी तरीके से, कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। साथ ही ईयरफोन हमेशा की तरह यहाँ से हैं गायब। और देखते हैं अब जल्दी से इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारा फ़ोन, इसे जल्दी से अगर मैं बाहर निकाल लूँ, यहाँ पर अगर बात करी जाए 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहीं दोस्तों इसको जल्दी से मैं स्टार्ट भी कर लेता हूँ लगे हाथ। डिस्प्ले में आपको ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों ही तरफ बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। ये मेरे व्यूज़ कहते हैं, आप क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर रहता है ऊपर की तरफ आपका छोटा सा सेल्फी कैमरा, जो कि होता है आपका जो है 5MP का। एक तरीके से ठीक ही है, आपको 6,000 रुपये में क्या मिलेगा इससे ज़्यादा। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर रहते हैं स्पीकर, नीचे की तरफ आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है।
साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे, पावर बटन देखने को मिल जाएगी, अपर सेक्शन में आपको जो है एक ऑडियो जैक और साथ में यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा जो कि होता है आपका नॉइस कैंसिलेशन के लिए। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ बैक सेक्शन की तो यहाँ पर आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन और दे रखी है जो कि है आपकी सिम के बारे में। यहाँ पर साइड में आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जो कि होता है आपका डेडिकेटेड सिम स्लॉट, यानी कि यहाँ पर आप एक मेमोरी कार्ड और दो सिम आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बैक के लुक को देखने के लिए इसको मैं हटा देता हूँ एक बार ताकि आप जो है क्लियरली इसे समझ पाएँ कि कैसा लगता है इसका बैक सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे एक अलग सा एकदम लुक आ रहा है इसको देखने में, बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लू कलर में खूबसूरत लग रहा है। हालांकि शाइनिंग उतनी नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक बजट रेंज में जो लुक मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। वहीं दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है Redmi की। नीचे की तरफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स लग रहे होंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर ही दे रखा है, साथ में एक जो है आपका दे रखा है वो माइक के लिए पोर्ट है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए microUSB पोर्ट दे रखा होता है और साथ में मिलता है आपको एक कॉम्पैक्ट साइज का मोबाइल फ़ोन जो कि एक कंप्लीट मोबाइल फ़ोन बनता है। अब देखेंगे जाकर एक बार इसके अंदर के बारे में और जानते हैं क्या रहती है डिटेल। तो जल्दी से करता हूं इसको सेटअप। तो दोस्तों यहां पर कर लिया है मैंने इस फोन को सेटअप। अगर सबसे पहले बात करी जाए इस फोन के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आ रहा हुआ देखने में। हालांकि यहाँ पर आपको HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिली है लेकिन फिर भी आपको जो परफॉर्मेंस दिखेगी वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वालिटी की दिखेगी। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए जल्दी से एक बार जाके इसकी सेटिंग में, इसके अबाउट फ़ोन में चलकर, तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा इसका अबाउट फ़ोन और सबसे पहले यहाँ पर आपको मॉडल की डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैचेस लेवल जो दे रखे हैं वो आपके जून के हिसाब से हैं। MIUI 10 आपको देखने को मिल जाएगा। CPU की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको Snapdragon 439 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। RAM जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर 2GB रहती है और इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर 32GB का होता है। वहीं दोस्तों ये आपका ऑन बोर्ड 23GB के आसपास खाली देखने को मिल जाएगा जिसमें आप जो अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहती हैं एक बार इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। अगर बात करी जाए जल्दी से जाकर एक बार UI के बारे में तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा UI एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऐप दे रखे हैं, ज़्यादा ऐप्स नहीं दे रखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएंगे। यहाँ पर MI की काफ़ी सारे ऐप्स दे रखे हैं, गाना ऐप दे रखा है, डेली हंट, फेसबुक और WPS, Amazon वगैरह के भी ऐप दे रखे हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से अगर चला जाए एक बार इसके कैमरे में तो दोस्तों इसका जो कैमरा होता है वो होता है आपका 12 मेगापिक्सल का। वहीं दोस्तों इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से स्पॉट पर फोकस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर लिया है इसको फुल स्क्रीन पर और मैं जल्दी से करता हूँ एक फ़ोटो को क्लिक और यहाँ पर देखी जाए सबसे पहले इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो दोस्तों यहाँ पर जो अच्छी बात मुझे देखने में लगी है वो यही लगी है कि कैमरा तो आपका, हालांकि जूमिंग क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं मानूंगा लेकिन यहाँ पर कैमरा आपको बड़ा ही खुश करने वाला देखने को मिलेगा। दोस्तों इससे पहले भी मैंने जो है Redmi 6A का कैमरा देखा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको इतनी क्लियरिटी देखने को नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पर 7A में कैमरा आपको यकीनन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वहीं दोस्तों एक बार इसको HDR मोड पे भी स्विच कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने कर लिया HDR मोड को जो है ऑन और एक करता हूँ फ़ोटो को क्लिक और यहाँ पर अगर बात करी जाए HDR मोड की तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरिटी आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों एक बजट फ़ोन में जिस हिसाब से कैमरा मिलना चाहिए उससे कहीं अच्छा कैमरा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। वहीं दोस्तों जूमिंग क्वालिटी थोड़ी सी हालांकि कमज़ोर रहती है लेकिन फिर भी आपको पसंद आएगा इसका कैमरा। काफ़ी सारे मोड्स वगैरह हैं, शॉर्ट वीडियो है, वीडियो, फोटो, प्रो मोड वगैरह भी दे रखे हैं, साथ में फ़िल्टर्स वगैरह भी दे रखे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए एक बार जल्दी से इसके सेल्फ़ी कैमरा के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर कर लिया मैंने इसको स्विच और करते हैं एक फ़ोटो को क्लिक। यहाँ पर अगर बात करी जाए जाके इसके जो है सेल्फ़ी के बारे में तो दोस्तों कह सकते हैं आपकी एक एवरेज क्वालिटी है ये आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादा हाई क्वालिटी यहाँ पर, हाई डेफिनेशन जो है इमेज नहीं मिलेगी, कलर भी हालांकि उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो बैक कैमरा है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सेल्फ़ी के लिए उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक फ़ोटोग्राफी पर्पज़। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए एक बार इसमें फेस अनलॉक के बारे में, दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें नहीं रहता है लेकिन फेस अनलॉक का फीचर यहाँ पर आपको दे रखा है तो इसे भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ सेटअप। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं करता हूँ जल्दी से स्विच। तो दोस्तों अभी ये है फिलहाल मेरा कैमरा इस तरफ और मैंने इसे कर लिया है ऑन और जैसे ही मैं अपने फेस की तरफ लाता हूँ तो हल्का सा जो है समय तो लगता है और उसके बाद ही ये ओपन होगा।
तो एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं तो थोड़ा सा ये जो है टाइम लेता है ओपन होने के बाद, हालांकि इतना क्विक रिस्पांस नहीं करेगा। और दोस्तों जैसा कि बताया जाए कि इसमें 2GB रैम है, तो समय के समय साथ साथ ही जो है इसकी स्पीड और थोड़ी सी धीमी ही होती चली जाएगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फेस अनलॉक के मामले में ये उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हालांकि एक बजट फ़ोन है तो ज़्यादा उम्मीद करना इससे बेहतर नहीं माना जाता है, फिर भी अगर आप जो है 6000 तक की रेंज में एक फ़ोन ढूंढ रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से देखते हैं इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करते हैं क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स, अगर मैं बात करूँ इसकी ओवरऑल क्वालिटी के बारे में तो फर्स्ट क्लास क्वालिटी मिल रही है, इसमें तो कोई जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए Redmi 6A के कैमरे की, तो वहाँ पर जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ वाला 7A का कैमरा आपको कहीं ज़्यादा बेहतर लगेगा उसके मुकाबले। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए थोड़ा सा ये फ़ोन भारी लगता है, अगर आप इसे ग्रिप करेंगे तो उतना अच्छा फील नहीं आएगा, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि एक इस रेंज के फ़ोन में आपको ये मिल रहा है, ये एफिशिएंट है, ये अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए इसके कैमरा के बारे में तो आपको एकदम एवरेज कैमरा मिल जाएगा, ज़्यादा जूमिंग क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 6A तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। स्क्रीन साइज की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा, हालांकि ये Redmi 6A से हल्का सा ही छोटा है, ज़्यादा नहीं छोटा लगेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील आएगा कि कहीं स्क्रीन साइज आपका कहीं ना कहीं कम है। रीज़न ये है इसमें आपके जो है ऊपर नीचे दोनों ही तरफ बेजल्स देखने को मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं इसके स्क्रीन साइज को छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ तो फिलहाल मेरे तो रिव्यू यही कहते हैं कि अगर आप एक 5-6 हज़ार की रेंज में फ़ोन ढूंढ रहे हो तो 7A से बेहतर कोई है नहीं आपके लिए। आप Redmi Go इन सब फ़ोन्स में मत जाइएगा, अगर आप जो है एक बिल्कुल स्टार्टिंग फ़ोन लेना चाहते हो, एकदम बेसिक फ़ोन लेना चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि Redmi 6A को ये बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसमें कैमरा जो है Redmi 6A से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो Redmi 6A बहुत जल्द हमें लगता है कि मार्केट से गायब होगा और 7A उसकी जगह ले लेगा। रीज़न भी एकदम साफ है, क्योंकि एक बजट के रेंज में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको किसी और मॉडल में या किसी अदर कंपनी में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 7A के बारे में आपका क्या ख्याल है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।